पी की सरकार थी और बहुमत की सरकार थी और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सारे जो उनका संगठन का भी विस्तार जिस तरीके से हुआ है जब से सरकारें बनी हैं उनकी जमीन पे भी उन्होंने काम किया है अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने मजबूत किया है लेकिन चुनाव में सारे हथकंडों को का प्रयोग हुआ बहुत नेगेटिव कैंपेन भी आपने पहली बार देखा मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया उन्होंने ये भी कोशिश की कि एक व्यक्तिगत सवाल को लेकर पूरा चुनाव लड़ा जाए जब उन्होंने कहा कि मेरा अपमान है मेरे माता जी का अपमान है लेकिन ये राजनीति है राजनीति में सारी चीज़ें होती हैं इनका प्रयोग पहली बार राजनीति में नहीं चुनाव में नहीं हुआ शायद आगे चुनाव इससे और ज़्यादा जो है हम लोग गिर जाएंगे लेकिन मुझे खुशी है कि पब्लिक ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है राजस्थान का स्पष्ट जनादेश आया है और बीजेपी की सरकारों से जो उम्मीदें थी जिस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया खासतौर से किसानों के लिए छोटे वर्ग के व्यापारियों के लिए नौजवानों के मन में बड़ा प्रश्न चिन्ह है रोजगार के चुनौती को लेकर के तो इससे हमें एक जगह मिली है और हम सही रूप से काम करेंगे तो पब्लिक अगले चुनाव में भी और मौके देगी सर आपको क्या लगता है बीजेपी ने किस तरीके मेन मुद्दे डेवलपमेंट वगैरह छोड़ के उन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की इस पूरे प्रचार में आपको क्या कहना है? देखिए ये बीजेपी करती आई है इनके कई चेहरे हैं मोदी जी विकास की भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा भी दिया है बेटी के संबंध में भी उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण का भी नारा दिया है लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ और जो इनके चीयर लीडर लीडर्स रहे पूरे चुनाव में योगी जी ने कई सभाएं करी उन्होंने जो उनके मूल मुद्दे हैं उसको आधार बन के बना कर चुनाव लड़ा तो जब वो कहते हैं कि अली और बजरंग बली और इस तरह के मुद्दों को उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक हिंदूवादी सोच के जो कट्टरपन है कुछ लोगों में है उन लोगों को अपनी तरफ वो खींच के लाएं और पूरे चुनाव में किसान के मुद्दे या एक रिपोर्ट कार्ड पेश करना क्योंकि आज बीजेपी कमज़ोर नहीं है आप विपक्ष में रहें और आप कहें कि कांग्रेस ने क्या किया सत्तर साल में क्या हुआ पूर्व की सरकार उन्होंने क्या किया चौधरी अजीत सिंह जी ने क्या किया तब ठीक है लेकिन आज आप राज्य सरकार में भी थे आप केंद्र सरकार में अब साढ़े चार साल हो गए हैं तो अब भाषा तो बदलनी